यूपी के बदायूं जिले में उगेती थाना क्षेत्र के गांव में धार्मिक स्थल पर पूजा करने गई महिला के साथ हैवानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। महिला की सामूहिक यौन उत्पीड़न के बाद हत्या ही नहीं बल्कि महिला के प्राइवेट पार्ट में रॉड डालकर उसे डैमेज कर दिया गया, जिसने दिल्ली निर्भया कांड जैसी दिल दहला देने वाली घटना की यादें ताजा कर दी। घटना पर विशेष संज्ञान लेते हुए एडीजी जोन बरेली अविनाश चंद्र ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा पीड़ित परिवार के घर जाकर न्याय दिलाने का भरोसा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि के बाद अफसरों में खलबली मच गई। आरोपी बाबा सत्यनारायण समेत 3 लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। घटना के बाद से 2 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। अभी तक मुख्य आरोपी बाबा सत्यनारायण फरार है। जांच के लिए 4 टीमें गठित की गई है और लापरवाही बरतने वाले थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने बताया फरार मुख्य आरोपी मंदिर के बाबा सत्यनारायण पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। दोषियों पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पे आया हुआ हूँ। 4 टीमें इसमें बनाई गई हैं। सत्यनारायण जो वहाँ का बाबा था उसकी गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मिली है जिसके आधार पे हम लोग उसको शीघ्र गिरफ्तार करने में सफल होंगे। उससे पूछताछ के बाद भी जो मिसिंग कड़ी हैं अभी पूरे केस की, उसको हम लोग चूल से चूल बैठा करके फिर आपके समक्ष पूरी बात रखेंगे। 50,000 रुपये इनाम घोषित कर दिया गया है IG रेंज राजेश पांडे जी के द्वारा। इसमें जो लापरवाही थी प्रथम दृष्टया उसके आधार पे इंस्पेक्टर उगैती को सस्पेंड कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है और भी जिसकी लापरवाही परिलक्षित होगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर वो बाबा बताया जा रहा है कि शायद वो उनको इलाज के लिए चंदोसी भी लेके गया, वहाँ उन्हें 2 हॉस्पिटल्स ने डिनाई भी किया। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, उस सबको हम लोग संज्ञान लेकर उसका वेरीफाई करेंगे और जो साक्ष्य सत्यता है उसके आधार पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या बाबा के अलावा किसी और आदमी की भी इसमें भूमिका दिख रही कि कोई एक आदमी कुछ अलग? ये सारा विवेचना का विषय है। हम सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे वही जो साक्ष्य सत्ता के आधार पे सही कार्रवाई होगी। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।